देती रहता है नॉनसेंस। माफ कीजिएगा सेठ जी, आप तो इतने सारे मकानों के मालिक हैं, फिर भी पैदल चले आए। आपको तो टैक्सी करनी चाहिए थी। टैक्सी? इडियट, व्हाट आर यू टॉकिंग? तू मुझे क्या समझता है? मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं बीए, एलसी, जीपीओ, डीएलओ, टीसी ऑफ थाईलैंड, ऑकलैंड एंड इंग्लैंड हूँ, समझे? और साइकोलॉजी को तो मैं घोट कर पी गया हूँ।
तुम नहीं जानते कि आजकल मनी का क्या वैल्यू है, यानी कि रुपया कैसे बचाया जा सकता है, समझे? क्या समझे? ठीक है बाबूजी, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी मजदूरी? मजदूरी? लो ये दोनी दुआने। ये आप क्या दे रहे हैं सेठ जी? इतने बड़े मकान और डिग्रियों के मालिक और बस दुआने? ये आपकी तौहीन है सेठ जी। दोनी नहीं तो क्या, 10-20 रुपए दे दूं? मैं फिलासफर हूं, ए से जेड तक डिग्रियों का मालिक हूं। मेरी दोनी 10 रुपए के बराबर है, समझे? जाओ मुन्ना, ऐश करो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है सेठ जी, आप लोगों की दोनी भी हमारे 10 रुपए के बराबर है, शुक्रिया। लीजिए बॉस, चाय दीजिए। ओ आपके भाई बहन का कुछ पता चला? अरे नहीं जान, बस इतना पता चला कि माँ की मौत के बाद वो उन्हीं के पास आ गए थे, मगर आंटी के जुल्म से तंग आकर न जाने वो कहाँ चले गए। हाँ हाँ, बेचारे, जल्दी बनाओ। अरे सम्मी, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ भैया, इम्तिहान करीब आ गए हैं, अब मुझे पहले से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेरी अच्छी बहन, खुदा तुझे कामयाब करे। अरे हाँ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। लवली भैया, तुम हर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हो, अपनी भी तो फिक्र किया करो। अपनी फिक्र तो एक अच्छी सी नौकरी की है, वो न जाने कब पूरी होगी। स्कूल में किताबों का बोझ सर पर उठाते रहे और अब कुली बनकर आदमियों का बोझ उठाना पड़ता है। मगर मैं इसी तरह कॉलेज भी तो नहीं जाता। तू बीए पास कर ले, फिर मैं अपने मुतालिक सोचूंगा। लेकिन भैया, तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखकर मुझे अच्छे कपड़े पहनते हुए शर्माती। पगली, एक वो जमाना था जब हमारे बाबा कितने बड़े जमींदार थे, और एक ही जमाना है कि पेट भरने के लिए दो दो आने की मजदूरी करना पड़ती है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि कभी तुझे तकलीफ ना हो, कोई तुझे गरीब समझकर हकारत की नजर से ना देखे। लेकिन भैया, कॉलेज की लड़कियां मुझे बहुत अमीर समझती। यही तो मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान तुम्हें गरीब ना समझे, ये दुनिया गरीब की इज्जत नहीं करती। तुम ठीक कहते हो भैया। अच्छा छोड़ो, रात काफी हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। होने दो, मुझे अभी पढ़ना है। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखने चले गए, पिक्चर देखने का शौक है, काम करने का नहीं, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा अफसानी जी, अब हमें माफ कर दो, आइंदा अफसोस करने का मौका नहीं देंगे। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैं इसमें आप कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना। तुम तो अच्छे खासे डिबेटर हो, तकरीर तो खूब थी। वाकई ये मजाक कर रही है, तुम्हारी पसंद इसी बात की एक कप चाय हो जाए।
के घराने का, पढ़ा लिखा, मुहज्जब और जरा शायरी से दिलचस्पी रखने वाला हूँ, क्या समझी? और तुम अपनी पसंद जरा मुख्तलिफ डाली, मसलन मजबूत जिस्म, जरा टफ जिसे शायरी से दूर का भी वास्ता ना हो, यानी कि थोड़ा सा जंगली हो। अपनी अपनी पसंद है, मैं तो आशिक हुसैन के आदमी से सख्त नफरत करती हूँ। अभी ऐसा भी क्या जो रोमांटिक ना हो, साथी जिसके ख्यालों में रंगों के आबशार हो, जिसके बाद में मैं गाऊं और मेरी धड़कने की लय के साथ मेरा साथ दे। अच्छी तभी इस वक्त इसी मूड में एक गाना हो जाए तो जवाब नहीं। अच्छा देता हूँ भैया। ये है मेरी सहेली समीना और ये है मेरे भैया शाहिद बारिसला। आदाब। आदाब। बड़ी मसरत हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। शमीम आपकी बेहद तारीफ किया करती है, जहे नसीब जो आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाई। अकबर एक कुर्सी और लाओ। भैया रोज मिन्नत किया करती थी, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ। तशरीफ रखिए। बैठो बैठो।
बड़े लोग जो ठहरे हमारे यहाँ आने की जहमत कैसे गवारा करेंगे। जी आपने मुबालगे से काम लिया, वरना हकीकत यह है कि पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। पढ़ाई का बहाना तो माकूल है, लेकिन सहेली की खुशी के लिए उसकी चाय तो कबूल की जा सकती है। भैया ये शायद इसलिए डरती है कि कहीं चाय का जवाब चाय से ना देना पड़े। शर्मिंदा करने का ढंग तुम्हें खूब आता है शम्मू। अच्छा तो कल तुम्हारे साथ चल के तुम्हारे घर चाय पी। बड़े शौक। बीए के बाद आपका क्या प्रोग्राम है? जी एमए ज्वाइन करूंगी। इसके बाद? जी एमए करने के बाद सोचूंगी। आपके डैडी क्या करते हैं? जी वो अरसा हुआ इंतकाल कर गए। और आपके भाई साहब? वो बिजनेस करते हैं। सलाम साहब। और क्या 5 रुपए लोगे? सामान ज्यादा था, दो चार आने और दी। बस बस काफी है, चलो विक्टोरिया वाला सदर ले चलो। आइए मुंशी जी। लो आ गया, बस किराया दो ताकि जल्दी चला जाऊं। भैया आते ही होंगे। भैया क्या आने की क्या जरूरत है, मुझे तो किराया से मतलब है। वो देखिए आ गए। क्या बात है मुंशी जी? मुंशी जी की तो एक ही बात है, बस भाड़ा चुका दो। चुका दूंगा मुंशी जी, मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा। आज ही आपके सेठ साहब का सामान उठाकर उनकी कोठी गया था, उन्होंने 8 दिन की मोहलत दे दी है मुझे। अरे उनका क्या भरोसा, वो हर बात भूल जाया करते हैं। 5 साल से मुलाजिम हूँ मगर उनकी तबीयत समझ ना सका। आखिरी वादा मुंशी जी, 8 दिन के अंदर अंदर जरूर चुका दूंगा। किराया तो चुकाता नहीं तो मेरा 500 रुपया कैसे अदा करेगा? जरूर दूंगा मुंशी जी। खाद देगा, तेरी बहन तो कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनती है, अगर उसका यही शौक रहा तो जिंदगी भर कर्जा नहीं चुका सकेगा। मेरी बहन कॉलेज में पढ़ती है मुंशी जी, अमीर लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना है, कभी कभी उनके जोर देने पर वो उनके घर भी चली जाती है। मैं नहीं चाहता कि उसे गरीबी का एहसास हो। मगर ये सब ठीक है, कर्जा चुकाने की भी तो फिक्र कर। बहुत अच्छा। और सुन, चादर देख कर पांव फैला। अच्छा मुंशी जी। लो भाई तम्मी, एक मुसीबत से तो छुटकारा मिला। लेकिन भैया एक बहुत बड़ी उलझन आ पड़ी है। क्या? शमीम हमारे घर आने के लिए बड़ा इसरार कर रही थी, लेकिन उसके यहाँ आने से हमारे गरीबी का भ्रम खुलेगा। क्या करूँ, मैं वायदा कर चुकी हूँ और वो तबीयत की ऐसी जिद्दी है कि पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तो कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज नहीं जाऊंगी? साहब अंदर है? सेठ जी तो नहीं है घर में, क्या काम है बाबू जी? देखो मैं सेठ जी का दोस्त हूँ, आज ही ढाके से आया हूँ, उनसे मिलना था। ओह वेल, आप सेठ जी के दोस्त हैं और उनका कहना है कि उनके जितने भी दोस्त हैं उनके खास खातिर की जाए। आप खड़े क्यों हैं? आइए अंदर आइए, चाय तो पी लीजिए। मुझे जल्दी जाना है, ये बताओ सेठ जी कब आएंगे? क्या बताऊं बाबू जी, जब हमारा बॉस बाहर जाता है तो 2-2 दिन तक गायब रहता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। अच्छा बाबू जी, आपकी मर्जी। लो भाई सम्मी, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रहा एड्रेस, और कल तुम बड़े ठाट से अपनी सहेली को लेकर वहां जा सकती हो। ये लो। मैं तो नहीं जाऊंगी, ना जाने किसकी कोठी है, मुफ्त में लेने के देने पड़ लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं सब इंतजाम कराया हूँ, उस कोठी के मालिक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं वहां मौजूद होऊंगा। लेकिन वो है कौन, मुझे भी तो पता चले। ओहो है एक चक्रम सर फिरा।
मैं कुछ नहीं समझी। इसमें तुम्हारे समझने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम बेखटके वहां चली आना, समझी? नहीं अभी तो नहीं आए। ओह तो मैं थोड़ी देर इंतजार की लेता हूँ, जरूरी काम है, शायद मुलाकात हो जाए। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। भाई डेकोरेशन तो खूब है, तुम्हारे जॉब की बात देनी ही पड़ेगी। अजी शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे भाई की चॉइस तो बहुत अच्छी है। अच्छा? क्या बात है मेरे भाई की जनाब, मिस्टर जॉन तुम तो बड़े दिलचस्प आदमी हो, बड़े मजे की बातें करते हो। अरे हाँ मैं तो भूल गया, तुम्हारे बॉस के दो और मेहमान आए, उनके लिए ऐसी फर्स्ट क्लास चाय बनाओ कि बस मजा आ जाए। और हाँ बाजार से कुछ पेस्ट्री ले आओ। ये लो। ए, बाबूजी इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा तुम्हारी मर्जी। ये विक्टोरिया रूट किधर है? अरे मुन्ना मेरा पास हूँ ना यार, ये विक्टोरिया रूट किधर है? यही तो विक्टोरिया रोड है। अच्छा ये विक्टोरिया रोड है? अच्छा तो 210 नंबर की कोठी कहाँ है? 210 नंबर की कोठी? हाँ यही तो 210 नंबर की कोठी है, आपको दिखाई नहीं देता शायद। अरे मुन्ना, अरे दिखाई तो बहुत देता है, जरा हाफजे का चक्कर है, तुम जा सकते हो। आई विल ट्राई अगेन। क्यों भाई चुन्नी, ऐसे स्टेज तो घर में रखने चाहिए? क्यों क्या हर्ज है? देखो ना फनकार ने किस खूबी से इसे तराशा है, देवा। और फिर मेरे भैया को ऐसे आर्टिस्टिक स्टेचू बहुत पसंद है। मालूम होता है तुम्हारे भैया कुंवारे हैं। ये कौन बार बार परेशान कर रहा है? कौन हो तुम, किससे मिलना चाहते हो? किससे मिलना चाहता हूँ? कौन हूँ मैं? मैं हूँ, मैं आया हूँ। ये कोठी? हाँ ये कोठी है। मेरा मतलब है कि ये मेरी कोठी नहीं। आप
और ये? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी कोठी नहीं, मेरी कोठी तो खाली जेंट्स है और ये तो लेडीज डिपार्टमेंट है। लेकिन मेरी मेरी कोठी? तुम पागल हो गए हो, पराई कोठी में घुसाते शर्म नहीं आते तुम्हें? अजीब आदमी। ओहो लेडियो, मुझे माफ कर देना, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं कोई मामूली आदमी नहीं, सारी ABCD पर मेरा कब्जा है। इस वक्त अपना मकान भूल जाने की वजह से सारी डिग्रियां भूल चुका हूँ। आई एम वेरी सॉरी परफेक्ट लेडियो, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, वेरी सॉरी वेरी। अजीत कार्टून टाइप आदमी है। क्या कहता वो कौन था? भैया वो पड़ोस वाला पागल था। पागल? वही पागल, वही वो पागल। हाँ हाँ, वो तो अच्छा खासा घन चक्कर है, वो यहाँ कहाँ गया? चलिए छोड़िए, आप लोग बैठिए ना, चाय पीजिए। जॉन जॉन। आदमी क्या है, खासा लतीफा है हामिद साहब। अरे साहब आप लतीफा कह रही हैं, अच्छी खासी जान मुसीबत में कर रखी है। ये तो 210 लेडीज डिपार्टमेंट है, मेरा मकान 210 विक्टोरिया रोड। विक्टोरिया रोड? यस विक्टोरिया रोड। एक बिस्किट और तो लीजिए, आप तो तकल्लुफ कर रही हैं। जिसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आपकी चाय तो इतनी लजीज थी कि मैंने एक कप के बजाय दो कप पी। मम्मी तो फिर एक और हो जाए। नहीं नहीं बस अब इजाजत दो। अच्छा ऐसी जल्दी भी क्या है, कुछ देर और तो बैठिए। आपका जोश देख कर तो जाने को जी नहीं चाहता था। तुमने मेरे भैया के गुल नहीं देखे? अरे ये तो हर फन मौला है, हर फन मौला। बेशक तुम्हारे भैया तारीफ के काबिल है। अच्छा समी अब इजाजत दो। हाँ अच्छा बाय बाय, खुदा हाफिज। भैया वो जो अभी बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था कौन था? वो अरे वो चक्रम होगा, इस मकान का मालिक, जिस चाल में हम रहते हैं वो भी उसी की है। बेचारे का दिमाग चल गया। खत्म हो गया, फिर तो जल्दी यहाँ से चलो, कहीं फिर ना आदमी। बस चल दिए सरकार? हाँ भाई जॉन हम चल दिए। भाई तुम्हारे मालिक का बहुत इंतजार किया, अब कब तक बैठे? हाँ। अच्छा ये लो तुम्हारी बख्शिश। आओ समी। ओहो माय हेड इज इटिंग सर्किल, यहाँ से तो ये विक्टोरिया रोड शुरू होती है। एंड कहाँ होगी? विक्टोरिया रोड शुरू होती है मगर एंड मेरा मकान। ओहो ओहो भाई शमीम कैसी रही आज की चाय? चाय तो खैर ताजा ही थी मगर ड्राइंग रूम की सेटिंग मुझे बहुत पसंद आई, खासकर वो घड़ी और वो पियानो तो लाजवाब थे। सम्मी से पूछा होता कहाँ से खरीदा है? ये तो नहीं पूछा मैंने, अलबत्ता ये जरूर कहा है कि मेरे पियानो से एक्सचेंज कर ले। तो क्या वो इस पर राजी हो गई? हाँ भैया। बड़े अच्छे दिल की है तुम्हारी सहेली। अब आपका साथ। देखो तो भैया क्या है। खाला जान की तबीयत बहुत खराब है, दिल के दौरे पड़ रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है भैया, हमें जाना ही चाहिए। मुश्किल तो यह है शम्मो कि मैं आजकल मुकदमों में घिरा हुआ हूँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ? तो क्या फिर मुझे को जाना पड़ेगा? हाँ शम्मो, सुबह की पहली गाड़ी ठीक रहेगी। तुम खाला जान से कहना कि शाहिद बहुत मसरूफ है। वाकई आप मसरूफ तो बहुत है भैया। वल्ला बहुत बिजी हूँ, अगर उनकी तबीयत संभल जाए तो तुम्हें यहीं ले आना। कोशिश करूंगी। अच्छा भैया शब बख़ैर। शब बख़ैर। कोई अप टू डेट पकड़ मार मालूम होता है। ए, ए, उठो उठो उठो, कौन हो तुम? छी 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 छी, बड़ी गड़बड़ कर दी, कितना सुहाना ख्वाब था। ए, थाने चलो। थाने? मिस्टर हवलदार हो? व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं सेठ वाजिद अली BA LC GPO DLO TC ऑफ थाईलैंड ऑकलैंड एंड इंग्लैंड हूँ, समझे? समझे, तो हुजूर ने सारी ABCD पे कर्जा जमा रखा है? यस। चलो कहाँ क्यों,
हुजूर को जरा हालात की सैर कराएं। मिस्टर सिपाही हो, वहां कोई फिलहाल जाना पसंद नहीं करता। दैट इज वेरी बैड प्लेस। मुझे थाईलैंड, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड लेकर जाओ। अगर तुम लोगों ने मुझे दोबारा हवालात का मशवरा दिया तो मैं तुम लोगों को सस्पेंड करा दूंगा, समझे? ये कोई सिरफड़ा मालूम होता है। कहाँ रहते हो तुम? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं सारी दुनिया में रहता हूँ, सिर्फ इस वक्त अपना मकान भूल चुका हूँ। फिलासफर हमेशा भूल जाया करते हैं। वाट के नाइडू। क्या नंबर है तुम्हारी कोठी का? मेरी कोठी का नंबर 210 विक्टोरिया रोड, कराची। अगर ये पता गलत साबित हुआ तो तुम्हें हवालात की सैर करनी पड़ेगी। ओ यस यस यस, जेंटलमैनी प्रॉमिस। अच्छा चलो। हाँ चलो आओ। मेहरबानी होगी आप मुझे घर पहुंचा दें। सलाम बॉस। सब ठीक है ना? तुम इनको जानते हो? यस सर, ये तो मेरे बॉस हैं। मिस्टर सिपाही हो, अब तो तस्दीक हो गई ना आप लोगों की। माफ कीजिएगा सर जी, हमने आपको बहुत तकलीफ दी। मैं अपनी तरफ से पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भटके हुए फिलासफरों को सीधा रास्ता दिखाती है। संजय मियां जाओ, मास्टर जाओ। सलाम अलैकुम। शमीम आप आइए। शमीम कहाँ है? दो दिन से कॉलेज नहीं आई, खैरियत तो है? खाला जान की अलालत का तार आया था, वो दो दिन हुए पिंडी चली गई। तशरीफ रखिए। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, 5 बजने वाले हैं। मैंने गाड़ी स्टेशन भेज दी है, शमीम आती ही होगी। ये तो बिल्कुल हामिद मालूम होते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। ड्राइवर, विक्टोरिया रोड चलो। शमीम आपकी कोठी और खास तौर पर आपके अखलाक की बहुत तारीफ करती है। जी ये तो शमीम की जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल? नहीं साहब, हम तो आपकी काबिलियत से बहुत मुतासिर हैं, और मुझे तो इस बात का फख्र है कि शमीम आपकी सहेली है। शुक्रिया। उस रोज हम आपकी चाय से महरूम ही रह गए। चाय की क्या बात है, किसी वक्त भी पी लीजिएगा। किसी रोज शमीम के साथ आऊंगा, आपके भाईजान से भी मुलाकात हो जाएगी। What can I do for you, lady? मैं पूछती हूँ, सम्मी बहन घर पर है? सम्मी? कौन सम्मी? हामिद साहब की बहन। हामिद? कौन हामिद? What are you talking? किसकी बहन? Excuse me, who are you, madam? ये तो मेरी कोठी है, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं फिलासफर हूँ, BALCGPODLOTC of Thailand, Auckland and England हूँ। समझी लेडी? क्या समझी? खाक, मैं पूछती हूँ वो लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? मैडम व्हाट आर यू टॉकिंग, मालूम होता है कि आप भी मेरी तरह फिलासफर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी फिलासफर, तुम भी फिलासफर, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे यू एंड मी। कमान लेडी, कमान, स्टॉप बाय स्टॉप, कमान लेडी, कमान कमान। लफी तो बड़ी धांसू किस्म की थी, मगर हमारी बड़ी बैड लक है, ऐसी किस्मत कहां,
जी, नहीं तो? तो फिर कोई बात कीजिए। आप कीजिए, मैं सुनूंगी। कहने को तो कितनी ही बातें हैं लेकिन कही नहीं जाती। तो फिर मत कहिए। लेकिन यूं भी तो बात नहीं बनती। तो फिर कह डालिए। दरअसल मैं आपके मुतालिक कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे मुतालिक? क्या? यही कि मेरा मतलब है, आप अपने भाईजान से कब तारुफ कराएंगे? आप जताइए, मिल लीजिए। मुझे उनसे मिलने की बड़ी तमन्ना है। ओ सम्मी, शमीन, तुम यहाँ? भैया को किससे मिलने की तमन्ना है? पहले ये बताओ, खाला जान कैसी है? पहले से काफी बेहतर है। अमजद भैया ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें अपनी सहेली को संभालो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तो चला। भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया, जाने की इतला भी नहीं दी। मैं कितनी परेशान रही, यहाँ आई तो तुम्हारे भाईजान से पता चला कि मेम साहिबा पिंडी तशरीफ ले गई हैं। भाई क्या बताऊँ सम्मी, रिश्तेदारी का मामला था, मजबूरन जाना ही पड़ा। लेकिन हमारी मोहब्बत का भी तो अंदाजा करो, स्टेशन से सीधी तुम्हारी कोठी पहुँची थी। मेरी कोठी? जी हाँ, तुम तो मिली नहीं, वही इडियट बैठा हुआ था, बस शुरू हो गया अपनी उल्टी सीधी डिग्रियां गिनवाने। अरे उसने तो यहाँ तक कह दिया, कौन सुन्नी कौन हामिद, ये मेरा मकान है, तुम ऐसे वो क्यों आने देती हो? कौन है वो आखिर? क्या बताऊँ शम्मू, उसने तो हमारा नाक में दम कर रखा है। ये तो भैया की शराफत है कि उसे घर आने देते, और उसकी बदतमीजी से कभी नाराज नहीं होती। अगर उस पागल ने कुछ कह दिया हो तो मैं माफी चाहती हूँ, माफ कर। अरे नहीं सम्मी, इसमें माफी की क्या बात है। हाँ कल संडे है, इस शाम को क्लिफ्टन चलेंगे। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। अच्छा मैं जाती हूँ, भैया इंतजार कर रहे हैं। कल ठीक 4 बजे तैयार रहना, और हाँ अपने भैया से भी कह देना तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊंगी। अजी आप कहाँ पहुँच जाएंगी? मैं गाड़ी लेकर आऊंगी, तुम्हारे भैया भी तो चलेंगे। देखिए लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल ठीक 4 बजे तैयार रहना। हाँ ठीक 4 बजे। बड़ी देर से आई सम्मी। भैया शमीम को वहाँ गई थी, वहीं देर लग गई। तुम कब आए? आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, स्टेशन से जल्दी चला आया था। क्यों भैया, खैरियत तो है? आज जिस मुसाफिर का मैंने सामान उठाया वो शमीम थी। शमीम? हाँ, उसने मुझे पहचान लिया, कहने लगी आपका नाम हामिद है। मैंने फौरन कहा आपको गलत फहमी हुई, मेरा नाम तो जलालुद्दीन है। वो कम वक्त तो वहाँ से सीधी कोठी पहुँची है, और वो सर फिरा वहीं था। न जाने उसने क्या उल्टी सीधी हाकी कि बेचारी परेशान होकर लौट आई, और वो मुझसे पूछ रही थी वो कौन है। फिर तुमने क्या कहा? झूठ बोल दिया कि वो मेरे भैया का दोस्त है। बेचारे का दिमाग चल गया है, जब उसे दौरा पड़ता है हमारे यहाँ आ जाता है। जवाब तो तुमने माकूल दिया, लेकिन हम ये भूल गए सम्मी कि हम क्या है। ऊंचा उड़ने से पहले ये न सोचा कि हमारे पर कितने मजबूत है भैया। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं भैया, शमीम कल फिर वहां आ रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। उसी चक्रम की कोठी में? जी हाँ। जब मुसीबत आन पड़ी है तो डटकर मुकाबला करेंगे, तुम फिक्र ना करो। भैया खुदा के लिए किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। जॉन सेठ साहब हैं अंदर। बाबू जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं ऊपर वाले कमरे में, उनकी भी अजीब आदत है, दिन में सोते हैं रात को जागते हैं, कहीं तो जगह उन्हें आराम करने दो, खामखा नाराज हो जाएंगे। एक बार मेरा उनका ढाके में इसी बात पर झगड़ा हो गया। ऐसी कोई जल्दी नहीं, हम लोग यहाँ बैठे जाते हैं। चाय बना के लाऊं बाबू जी? अरे जॉन ये भी कोई पूछने वाली बात है। बैठो क्या भैया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम चुप रहो, अल्लाह मालिक है। भैया ये तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। चुप रहो, तुम तो डरे जा रही है। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बैठो। शुक्रिया।
साफ देखिए कि स्टेशन पर हूबहू आपकी शक्ल का एक कुली देखा। जी शक्ल बाज औकात तो आवाज भी मिल जाती है। वाकई? जी हाँ। चाय भी है बाबू? चाय आ गई। भाई इस लिबास में तुम खूब जच रही हो। भाई वाह सम्मी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। वाह भाई, बहन ने ससुरा कसा, भाई ने दाद दी, अब हमारी कौन सुनेगा। चलिए आप चाय पीजिए। कप ले लो शमीर, भैया के हाथ तक कोई भरोसा नहीं। ओ, माफ कीजिएगा। कर दिया माफ। बला की शो हो तुम, तुमसे कम। भाई सम्मी कहती है आप गाती बहुत अच्छा है। ये गाती ही नहीं बल्कि नाचते भी खूब है। अरे वाह, फिर तो आप बड़ी खूबियों के मालिक हैं। सारा कॉलेज इसकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहता है भैया। इनके लिए तो हर इंसान बेताब हो सकता है। इतनी तारीफ न कीजिए वरना मकरूर हो जाऊंगी। और अगर किसी को आपके गुरूर से भी निस्बत हो तो? बस बस रहने दीजिए। आई एम पागल, व्हाट आर यू टॉकिंग? पागल तुम लोग हो जो इस घर में घुस आए हो।
मैं तुम लोगों को अभी अरेस्ट करवा दूंगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मामूली सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर जनरल तक मेरी इज्जत करते हैं। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? बस अब चुप रहो। बहुत तुम्हारी सोच के पागलपन की। तुम्हें आजादी देने का यह मतलब नहीं कि तुम हर वक्त हमारे सर पर सवार रहो। मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूं। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि जब ड्राइंग रूम में मेहमान मौजूद हो तो नीचे ना आया करो। मैं कहता हूं तुम जाते हो अपने धक्के लेकर बाहर निकाल दो। मेरी शक्ल क्या देख रहा हूं? जाओ जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ। माफ कीजिएगा, ये मेरा पुराना दोस्त है। इंग्लैंड जाकर इसका दिमाग खराब हो गया। कभी कभी अपनी धुन में इधर आ निकलता है। आप बुरा ना मानिएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई बात नहीं। कोई बात। शुक्रिया। आइए बॉस। अरे जान, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं तो शोर सुनकर आया हूँ बॉस। अरे जान, ये तो बता, अपना मकान कहाँ है? ये अपना ही तो मकान है बॉस। ये अपना मकान है तो फिर वो लोग कौन है? पहचाना नहीं आपने? वो तो आपके दोस्त है बॉस। मेरे दोस्त है? ओहो जान, मैं भी कितना उल्लू का पट्टा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट होते हुए ए से जेड तक सारी डिग्रियों के बावजूद अपने दोस्तों को नहीं पहचान सका। भाई अच्छा खासा लुत्फ आ रहा था, कोफ्त हो गई। अच्छा, इस बोरियत को दूर करने के लिए एक कप चाय का हो जाए? नहीं क्यों, पीलो पीलो। नहीं लो, मुसीबत फिर आम धमकी। भैया ये किस मुसीबत को पीछे लगा दिया? मैं क्या करूं सभी? एक्सक्यूज मी मिस्टर जेंटलमैन, यानी के परफेक्ट लेडियो। दरअसल मैं फिलासफर हूं, सिर्फ दोस्तों को ही नहीं अपने आप को भूल जाया करता हूं। माइंड न कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है ठीक है, सिट डाउन। जॉन जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। हाँ जल्दी ले आओ, चाय लाओ। सिट डाउन। कहिए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? बात के ना डूब आ रही हूँ। बस ठीक है ठीक है। छह बजे हमें सब आप हमारे साथ चलिएगा ना। हाँ भैया चलिए, बहुत देर होगी। हाँ चलो, कम ऑन सर। लेडियो प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज यू सिट डाउन। मैंने कहा कि आधा वर्ष है। तोबा है, तोबा है, तोबा है, तोबा है। चली गई। आई एम अगेन अलोन, यानी कि मैं अकेला रह गया। हाँ, इस मामले में बड़ी बैड लक है भाई। सम्मी आज समंदर किनारे मजा आ गया। आहा, क्या सुहानी शाम थी। भैया एक बात पूछूं, शमीम कैसी लड़की है? अच्छी है। तुम्हें पसंद है? मैं समझ गई। क्या? तुम मुझे चाहने लगे हो। बदतमीज है। लेकिन सुनो, वो भी तुम्हें बहुत चाहती है। अच्छा, अगर शमीम से तुम्हारी शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहे ना। ये बहुत मुश्किल है। हम गरीब, वो अमीर है। शानदार कोठी, कीमती फर्नीचर, महजब और रोशन ख्याल लोग हैं। और फिर जहाँ चाहत की बात हो वहाँ अमीरी गरीबी का क्या सवाल? ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी गरीब की शादी गरीब से और अमीर की शादी अमीर से होनी चाहिए। मैं नहीं मानती। अच्छा सच बता दूँ, सम्मी कैसी लगती है? अच्छी है। शादी करोगे? जरूर। इतने दिन से हम अपना अंकल सैम के पास गया था। तुम कैसा है? हम तो तुम्हारे बगैर मर गया है डार्लिंग। सारी सारी रात नींद नहीं आता है। नींद नहीं आता? तुमको मोहब्बत का फीवर है। हम तुम्हारा इलाज जरूर कराएंगे। सच डार्लिंग? यस। लो अंडे खाओ। खाएगा। डार्लिंग, yes. तुम हमसे शादी मनाएंगे? मनाएगा। हाँ। और जरूर मनाएगा। तो हमारा एक शहर से मिला और लिपस्टिक का बोतल जरूर लेके जा। अच्छा। और हमारे लिए लिपस्टिक पाउडर और ये नेल पॉलिश का एक सेट जरूर लेके जा। लाएंगा डार्लिंग, जरूर लाएंगा। तो फिर हम एक दफा नहीं, दो दफा शादी मनाएंगे। हम तुमको चर्च लेके जाएंगे।
अच्छी हो डार्लिंग, तुम कितनी अच्छी हो मेरी जान। ये क्या करता है, छोड़ो उनको। तुम्हें किस करने को दिल चाहता है मेरी जान। देखो देखो हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, हम तुमको कहते हैं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा। प्यार में सब कुछ जाई से डार्लिंग, तुम हमको बहुत तंग करता है, हम बोला हम शादी मनाएंगे तो सब कुछ करेंगे। देखो तुम्हारा हाथ किधर जाता है। जान देखो बहुत आ गया, जॉन अरे जॉन, तुम्हारे साथ कौन बातें कर रही थी? कोई नहीं बॉस, कोई नहीं। तुम भागते हो, वो कौन थी और किधर गई? यहाँ तो कोई भी नहीं बॉस। तो फिर ये स्वीट और साफ आवाज कहाँ से आ रही थी बॉस? ये आवाज तो इन प्लेटों की थी बॉस, इनको धोते धोते कभी कभी ऐसी आवाज निकलती है कि मैं भी पागल हो जाया करता हूँ। हाँ तुम ठीक कहते हो, ये प्लेटें बहुत कीमती हैं, इनसे ऐसी आवाज निकल सकती है। मैं इन्हें खुद धोता हूँ। नहीं नहीं बॉस, आपका खुदाऊँ का काम है ये, तो मैं इन्हें धो दूंगा। अरे जॉन ये जूता किसका है? जूता सरकारी जूता आप ही का तो है, मैं यहाँ इसे पॉलिश के लिए ले आया था, मैंने सोचा आज आपके तमाम जूतों को खूब चमका दूं। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। अरे जॉन ये जूता हम कब और कहाँ से लाए थे? भूल गए बॉस आप? मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर। प्रेजेंट वगैरह की क्या जरूरत है, मेरे ख्याल से तो ये सब तकल्लुफबाजी है। नहीं नहीं कैसी बातें करती हो। अच्छा मुझे बताओ हम हिसाब क्यों नहीं आए? वो बहुत मशरूफ थी, तुमने मेरा पैगाम दिया था? हाँ हाँ कहा था, कहने लगे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मेरी तरफ से कह देना मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, भला ऐसी भी क्या मसरूफियत। अरे अरे लो भैया आ गए। मेरे ख्याल में इस खुशी के मौके पर अगर संभी का डांस हो जाए तो बड़ा लुत्फ है। जी नहीं जी आप। अरे इतना नहीं, मेरी बात सुन नहीं कर दो आप। हकीकत यह है कि अगर आज सम्मी का डांस ना होता तो सालगिरह का जश्न बिल्कुल फीका है। किधर जाएगा? इंग्लैंड चला जाएगा, जहाँ उसका 10 लाख रुपए का लॉटरी निकला था। इतना सारा दौलत देखकर बेचारे का दिमाग खराब हो गया है, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, उल्टी सीधी अंग्रेजी हाँकता है। ओह माय गॉडनेस, 10 लाख का लॉटरी, ये तो बताओ तुम्हारे हिस्से में कितना आया? 50-50 डार्लिंग,
फिर तो हम तुमसे डबल शादी मनाएगा। नहीं मीम साहब, एक ही काफी है। मैडम चीबू, अब कोई का बात करो। डार्लिंग, कितना सॉफ्ट है ये कपड़ा। जब तुम ऐसा हाथ लगाता है तो हमारा बॉडी में करंट मारता है। स्वीट हार्ट, इसी को तो लव बोलते हैं। दूर हटो जॉन, तुम्हारे में से पसीने का पास मारता है। डार्लिंग, दूर से न घूर पातिहा, दूर से न घूर पातिहा, छोड़ के न जा दिल के न जा, छोड़ के न जा दिल, छोड़ के न जा दिल रुबा दिल रुबा, दूर से न घूर पातिहा, दूर से न घूर पातिहा। प्यार के सिले में ये जफा है बुरी, दिल के तोड़ने की ये अदा है बुरी। आह हा आह हा, प्यार के सिले में ये जफा है बुरी, दिल के तोड़ने की ये अदा है बुरी। सुन मेरी सदा, आंख ना चुरा, आ भी जा वरना मैं कहूँगा बेवफा। दूर से न घूर पातिहा, दूर से न घूर पातिहा। दूर से न घूर पातिहा, दूर से न घूर पातिहा। आ गया, अब तुम जल्दी से यहीं कहीं छुप जाओ वरना मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। अरे तुम उनको किधर छुपाएगा? जल्दी से ट्राई करो। किधर छुपेगा हम? ओह गॉड, माय गॉड, अब क्या करूं? आ गया सारो, ये जरूर हमारा जरूर से छुपाएगा। जल्दी जाओ, जल्दी क्या करेंगे? जल्दी जाओ, जल्दी वहां बन जाओ।
फंसा गया बाप रे, अब क्या करूं क्या करूं। जमीन पापा बन जाओ, जिंदा नहीं छोड़ेगा आज। शाबाश, चुपचाप बैठे रहो। अरे जान, जाओ बाहर से सीमे से जल्दी सामान लेकर आओ। जाओ, ये देश में आने बड़ी गड़बड़ करते हैं। छियाने पैसे खुले थे वो भी नहीं गए, कमाली कर दिया। कुछ कारोबार हो, काम कैसे चलेगा तुम्हें? खुला पैसा एक नहीं छोड़ा। ये डाइट का घोड़ा बड़ा टेढ़ा था। अरे जान, ये मेज कैसे हिल रहा है? बॉस, मेरा ख्याल है कि भौंचाल आ रहा है। डोंट टॉक नॉनसेंस, भौंचाल इस मौसम में कहाँ आ सकता है? बॉस, शायद आप हिल रहे होंगे। मैं हिल रहा हूँ? हाँ, ये हो सकता है। यू आर राइट, यू आर राइट। अरे जॉन, ये गर्म कहां से आ गई? गर्म? ये तो इस टोकरी में से निकली है बहू। ये इस टोकरी में से निकली है? अच्छा 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 अच्छा, तो उस खबीस दुकानदार ने 50 रुपए में चीजों के बजाय इस लड़की को टोकरी में बंद कर दिया है। अरे जॉन, पकड़ लो उस लड़की को, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, और ले चलो उस दुकानदार के पास। अगर उसकी दुकान सील न करा दी तो मैं इस जबरदस्त टाइप का फ्लॉपर नहीं, समझे? क्या समझे? लेकिन बात 50 रुपए में तो ये लड़की बहुत सस्ती है। देखिए ना, कितनी ब्यूटीफुल है। बस अगर इजाजत हो तो मैं इससे शादी कर लूं। अरे हाँ हाँ जान, तुम ठीक कहते हो, मैं इससे शादी करूंगा, बल्कि खाना आबादी करूंगा। मुझे भी शादी की सख्त जरूरत थी, तुमने खूब याद दिलाया। हाँ, खूब याद रहा। लो ये रुपए, 2 मन हार, 1 शेर काजी जल्द लेकर आओ। लो ये रुपए, आज एक फिलासफर की शादी होगी, बड़ी जबरदस्त टाइप की खाना आबादी होगी, समझे? क्या समझे? लेकिन लेकिन शादी तो मैं करना चाहता हूँ बॉस। डोंट टॉक नॉनसेंस, बॉस की बीवी से तू शादी करेगा? तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी शादी की थी जो तू करेगा? मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। डार्लिंग, मेरी पर्सनल लेडी, तुम्हारी खातिर मैं अभी तक मारा रहा, अभी तक मारा रहा, अलोन यानी कि अकेला रहा। शट अप। डार्लिंग, तेरे मुंह से फूल बरस रहे हैं, तेरी मुझसे शादी होगी, तू मुझे फादर बनाएगी, कम से कम 1 दर्जन बच्चे जरूर देना लेती, जरूर देना लेती। मेरा बाप छोड़ दो, अदरवाइज हम चिल्लाएंगे। गाड़ी ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। क्या तुम्हारी आंखें हैं? क्या तुम्हारे कान हैं बमाए गर्दन के? क्या तुम्हारी नाक है बमाए लिप के? दादी, मेरे इसके बगैर मुझे रात दिन नींद नहीं आती, बड़ा परेशान हूँ। बगैर शादी के मैं बिल्कुल उल्लू टाइप का आदमी बन गया हूँ। तुम बिल्कुल इडियट है, छोड़ हमको। नहीं होने वाली भाई, ठहर जा, ठहर जा। अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता तो मेरे होने वाले बच्चों पर रहम कर, होने वाले बच्चों पर। न जा मेरी टीम लाइन, न जा मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा कोठी खाना बर्बाद हो जाएगा। चली गई, चली गई। मेरा भरा भरा घर 1 सेकंड में बमाए बाल बच्चों के फिनिश हो गया। मेरा सामान, मेरा सामान इस टोकरी में से निकली। ये भी लफी वो ही मालूम होती है। ये तो लोटा है, मेरा सामान दूसरा लोटा। मैं भी आप ही कहाँ जा रहा हूँ? जी मेरे घर आइए, बैठिए। शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझे आपके भाईजान से काम भी है। नहीं, लेकिन भाई साहब तो बाहर गए हैं। भाई बाहर गए तो इंतजार करेंगे। चलिए बैठिए, आइए।
मैजमा ने इससे बड़ी गड़बड़ कर दी। अगर ये इधर से कटा हुआ होता तो ये टोपी अच्छी बन सकती थी। खैर अब भी कोई बात नहीं। आदावर दे। आदावर कौन हो जी तुम? भैया ये है शाहिद साहब जिनका मैंने जिक्र किया था। शाहिद? कौन शाहिद? और तुम? भैया एक बात तो सुनिए, आइए अंदर अंदर आइए भैया, बहुत जरूरी काम है, अंदर आइए। आप तशरीफ रखिए। ये बात क्या है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये कहाँ मुझे ले जा रहे हैं? सिर से खुदा के लिए मेरी इज्जत रखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ईशाई साहब मुझे आपकी बहन समझ कर यहाँ ले आए हैं, थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपनी बहन बना ले, मैं ये आपका एहसान कभी ना भूलूंगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। परफेक्ट लेडी, खुदकुशी न करना, मैं मौत से बहुत डरता हूँ। मैं कह दूंगा, इत्मीनान रखो, मैं कह दूंगा कि तुम मेरी बहन हो, बल्कि रियल सिस्टर हो। चलो अब तो खुश होगी, अब बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, कह दूंगा बाहर आ जाओ। ओ जेंटलमैन, आप अभी तक खड़े हैं? वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। शुक्रिया, सिट डाउन। मिस्टर जेंटलमैन, आपने अपना नाम नहीं बताया। शाहिद। वेरी गुड। हाँ तो मिस्टर शाहिद, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ये आपकी दुआ चाहिए। ओह थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो यहाँ आने की कैसे तकलीफ की आपने? अर्ज ये है कि मैं और समी, यानी कि हम दोनों, दरअसल मैं आपसे समी के रिश्ते के बारे में कुछ कहने आया हूँ। समी के रास्ते में? मैं कुछ समझा नहीं। हुजूर, रास्ते नहीं रिश्ता, मेरा मतलब है शादी के मुतालिक। ओ सॉरी, आप शादी करना चाहते हैं? और शादी तो मैं भी करना चाहता था हुजूर, इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ। अच्छा तो आप किससे शादी करना चाहते हैं? समी से, यानी आपकी बहन से। मेरी बहन? ओ समझ गया, यानी कि इससे आपकी शादी होगी, जरूर होगी, अभी होगी और इसी वक्त होगी। लेकिन हुजूर मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि अभी हो जाए, मेरी तो सिर्फ ये शादी अभी होगी वरना कभी नहीं होगी, समझे? क्या समझे? लेकिन भैया इतनी जल्दी क्या? तुम चुप रहो जी, शादी यानी कि मैरिज के मामले में लड़कियां नहीं बोला करती। बहुत, ये दो मन काजी और एक सिरहार ले आया हूँ। ओ वेरी गुड जॉन, वेरी गुड। काजी जी दोनों का निकाह पटा लो, लाओ यहाँ मुझे दे दो। अरे साहब इतनी जल्दी किस बात की है, 4 दिन में शादी हो जाएगी। एब्सोल्युटली राम, शादी अभी होगी वरना जिंदगी भर नहीं होगी। भैया ये क्या कर रहे हैं आप, खुदा के लिए कुछ तो सोचिए। साइलेंस, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, पूरी ABCD पर मेरा कब्जा है। काजी जी मुंह क्या देख रहे हो, इधर आ जाओ, आगे बढ़ो, दोनों का निकाह पढ़कर हस्बैंड एंड वाइफ बना दो। रेडी, 1 2 3। ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? हमने तुम्हारी आरजू पूरी कर दी शम्मो, अब समी तुम्हारी सहेली नहीं बल्कि भाभी भी है। वाकई ये मजाक कर रहे हैं भैया? अरे शम्मो, आज अजीब हादसा पेश, मैं इनके भाई साहब से मिलने गया कि शादी के बारे में बात करूँ, तो वो तो मेरे गले ही पड़ गए, बड़े रोब से कहने लगे कि साहब शादी होगी तो अभी होगी, नहीं तो जिंदगी भर नहीं होगी। हमने बहुत समझाया मगर साहब उन्होंने एक नहीं मानी, और न जाने उस वक्त तो काजी और ये हार कहां से आन टपके, बस शादी करा के ही दम लिया। सुमो, मैंने ऐसा अजीब आदमी सारी जिंदगी में नहीं बनाओ। नहीं भैया सच बताओ। अरे मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी भाभी से पूछ लो। वाकई सम्मी? अरे भाई छोड़ो ना इस किस्से को, दुल्हन कब से खड़ी है, इन्हें अंदर ले जाओ। चलो अच्छा हुआ, आपकी मुराद तो बराई। समी कहाँ रह गई, रात ढलती जा रही है।
सकता है शमीम ने रोक लिया। डार्लिंग इतनी देर लगा दी तुमने। कितनी अच्छी लगती हो इस अंदाज में। सच? तुम्हारी शमो, हम लोग ये बातें कर रहे थे कि अगर तुम भी हमारे साथ पहाड़ पर चलती तो कितना अच्छा होता। भैया मैं जरूर चलती, मगर कल से कुछ मेरी तबीयत खराब है, सोचती हूँ पहाड़ पर जाने से हवा ना लग जाए। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई जल्दी तैयार हो जाओ, स्टेशन पहुँचना है। गलती हो गई बाबूजी, गलती। आपने गरीब से ज्यादा मार करा चाहिए। गरीब इन लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, जब भी ठीक रहते। चलो मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। कहे कि तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? क्यों क्या हुआ? जिंदगी क्या मिली, मुसीबत मिली
से मिली हमको रुसवाइयां, जल बुझे ये जहां, ये दुनिया तुम्हा, तेरी दुनिया में दाता खुशी है कहां, जल बुझे ये जहां, जल बुझे ये जहां। और थप्पड़ खाने वाला एक मामूली कुली। आखिर ये सब कुछ क्या है? कभी सेठ कभी कुली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शाहिद भैया ठीक ही कह रहे थे कि आपका दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया? कौन शाहिद था? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। कैसे नहीं जानते? कल वो आपसे मिलने कोठी पर आए, आपने झट से सम्मी की शादी भी करा दी और रुख्सत भी कर दिया। क्या वाकई सम्मी की शादी आपके भाई से होगी? तो सम्मी की शादी आपने नहीं कराई? जी नहीं, दरअसल हम गरीब हैं और गरीबों के साथ अक्सर ऐसे मजाक होते रहते हैं। वो मकान हमारा नहीं जी। मेरी ख्वाहिश थी कि सम्मी किसी ऊंचे घराने में भी आई जाए, वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन मैं खुद अपनी निगाहों में जलील हो गया। अब आपको मुझसे खुद नफरत करने का पूरा इख्तियार है। साहब फरमाइए। लेकिन मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती, मेरी नजरों में तो आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन जमाने ने तो गरीब की कभी इज्जत नहीं की। डरता हूँ कि अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि सम्मी एक कुली की बहन है तो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे वकार को गिनने नहीं। तो चलो मैं तुम्हें अपना असली मकान दिखाऊं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, आइए। भाई वाह, रोटी तो खूब पकाई है तुमने। न जाने सम्मी क्यों कर पकाती होगी। मैं ना कहता था तुम्हारे पास कहीं रोग नहीं। अरे मेरी वजह से कितनी तकलीफ हुई तुम्हें। आप नहीं जानते इस तकलीफ में कितनी लज्जत है। जी बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। चली जाना, पहले खाना तो खा लो। हाँ लो। एक बात बताओ, अब इस घर का रास्ता तुम ना भूलोगे? कभी नहीं। कुली के थप्पड़ पड़ते ही समीना ने जाने का प्रोग्राम क्यों बदल दिया था? आखिर ये क्या राज है? उसे देखते ही वो घबरा क्यों गई थी? कहीं वो उस कुली को जानती तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आता। इस बात का है कि तुम्हारा गरीब भैया तुम्हें कुछ भी ना दे सका। मुझे मालूम है कि जो लड़की अपने साथ सोना और कपड़ों का ढेर लेकर नहीं जाती, ससुराल वाले उसकी इज्जत नहीं करते। भैया अब ऐसा ना सोचो, जो होना था तो हो चुका। उन्होंने ये शादी अपनी खुशी से की। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें अपना नया घर पसंद आया? शाहिद साहब उस सेठ की बातें सुनकर कहते होंगे अजीब पागल भाई है तुम्हारा। भैया ये सब उसी के पागलपन का नतीजा है। वो तो कहते ही रहे भाईजान इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, मैं तो फिलहाल आपकी रजामंदी के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने भी लाख समझाया मगर वो पागल शायद इसी काम के लिए बैठा था। आओ देखो ना तो झट निकाह पढ़ा दिया। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। अच्छा ये तो बताओ उन्हें बताकर आई हो ना? जी नहीं। तो फिर तुम्हें लौट जाना चाहिए है? अच्छा भैया खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। कहाँ से आ रही हो भाभी? भैया से मिलने गई थी। कौन से भैया से, असली से या नकली से? शमी, मैंने अपनी गरीबी छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोला, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ जान गई हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं जज्बात में आकर शाहिद भैया से न कह बैठना कि तुम एक गरीब भाई की बहन हो। अगर मैंने न बताया तो वो बता देगी। तुम छोड़ो इन बातों को, मैं सबको संभाल लूंगी। आलावंत भाईजान। भाईजान कौन हो तुम, किसे मिलने आए हो? पहचाना नहीं आपने? मैं आपका बहनोई हूँ। मेरा बहनोई? कैसा बहनोई? व्हाट आर यू टॉकिंग? हुजूर, शायद आप मुझे पहचान नहीं सके, आप ही ने तो अपनी बहन से मेरी शादी कराई थी। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वही चक्रम हैं जिसने उस दिन उस छोकरी से शादी की थी। अरे मियां, वो छोकरी कौन थी, कहां से लेकर आए थे? अपने को कोई ऐसी नहीं मिलती, बड़ी बैड लक है। तो क्या वो आपकी बहन नहीं है? मेरी बहन? आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब है या तुम्हारा? तुमने उस दिन कहा था वो तुम्हारी बहन है, आज मुझे से पूछते वो कौन थी? अरे मियां, तुम हो किस चक्कर में, मैं तो उस लड़की को जानता नहीं। तुमने उस दिन तो नहीं बताया कि वो तुम्हारी बहन नहीं है? अरे तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, दिस इज माई ग्रेट इंसल्ट। मैं कहता हूँ कि शराफत के साथ गेट आउट हो जाओ, वरना वरना क्या करोगे? बताओ क्या करूंगा? जॉन, अरे वो जॉन, जल्दी आओ। न जाने इधर से लड़की को पकड़ पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि साहब तुम्हारी बहन है, हमारी बहन को ही फालतू फिर रही होती है। यस सर। अब साहब को बाइज्जत तरीके से गेट आउट कर दो, यानी कि कोठी से बाहर निकाल दो। अच्छा भाभी, उनके नाम कोई पैगाम? बस इतना कह देना भैया हामिद से, समी तुम्हें बहुत याद करती, अच्छा तुम जाओ। ओके, टाटा। टाटा की बच्ची, अपने भैया के आने से पहले ही घर लौट आना, नसीहत का शुक्रिया। मेरी बहन? अरे मियां, तुम हो किस चक्कर में, मैं तो उस लड़की को जानता नहीं। न जाने इधर से लड़की को पकड़ पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि साहब तुम्हारी बहन है, हमारी बहन को ही फालतू फिर रही होती है। मेरा दिल कहता तो तुम जरूर आओगी। मुझे भी तो, मैं आ गई। आओ। समी तो अच्छी है ना? अच्छी है, आपको बहुत याद करती है। शाहिद साहब को तो पता नहीं चला कि वो मेरी बहन है। आप इसके मुतालिक क्यों फिक्रमंद रहते हैं, छोड़िए। डरता हूँ अगर ये भेद खुल गया तो मेरी बहन का क्या अंजाम होगा। मेरे भैया ऐसे नहीं, वो तो भाभी को बेहद चाहते हैं। खुदा करे कि उनकी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। मोहब्बत खुदा का नूर है, मोहब्बत फरिश्तों का नगमा है। लेकिन मैं सोचता इतनी अजीम चीज मेरे नसीब में कहां? क्यों नहीं? तुम अमीर, मैं गरीब, ये फासला क्यों करता होगा? हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई फासला नहीं। और फिर गरीब वो जिसके ख्यालात गरीब हो, आप में कितनी अजमत है ये कोई मुझसे पूछे। मैं शानदार महलों के मुकाबले में आपकी इस खोली को ज्यादा पसंद करती हूँ। नीच, तेरी ये मजाल, तू नहीं जानता हम कौन है। भैया, चुप कर।
पूरा जमीन, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तूने मेरी इज्जत हाथ में लगाई। मैं आज तक तुझे नेक सलन समझता था, लेकिन तू अपने आवारगी पर छोटी शराफत के पर्दे में छुपाए मुझे फरेब देती रही। बोल, कहां है तेरी वो इज्जत जिस पर एक लड़की को नाज होता है? नीच, अपने अरमानों के जोश में तू ये भी भूल गई कि तेरे कदम खानदान की इज्जत को कुचलते जा रहे हैं। जिस बाप के अंधेपन में तुझे ये भी याद न रहा कि वो कितना हकीर है। आप तो खामखा बिगड़ रहे हैं भैया, मोहब्बत अमीरी गरीबी को नहीं देखती। बकवास बंद करो, एक जलील कुली के बहकाने पर मुझसे जबान दराजी करती है। खबरदार, आज से तेरा कदम बाहर ना निकलने पाए वरना टांगे तोड़ दूंगा। तुम ही हो मेरी जिल्लत का बायस, तुम ही हो जिसने मेरे घर का सुकून बर्बाद किया। सरताज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? खबरदार, जो मुझे सरताज कहा, मैं जान गया मेरे साथ तेरी शादी का मकसद क्या था। तूने अपनी गरीबी का दाग छुपाने के लिए मुझसे प्यार किया, मुझे फांसने के लिए मेरी राहों में ऐसा जाल बिछाया कि मैं उलझ कर रह गया। लीला, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मजलूम। दलील औरत, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर कहती है मैं मजलूम हूँ, निकल जा मेरे पास से। सरताज, मोहब्बत आसिफ के दिल की तरह तंग नहीं होती, वो गलती माफ कर देती है मेरे साथ। पता मार, मुझे मोहब्बत से नफरत है, चली जाए यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर। मालूम होता कि शराफत से नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा ना कीजिए मेरे सरताज, लीला आप ऊपर है, मेरे घर से ना निकल। मेरे घर में तुम जैसी जलील औरत के लिए जा रही, निकल जाओ। इतना दुनिया का कभी मालूम है। हाँ, मैं तुम दोनों को खूब समझता हूँ, चली जाओ अंदर। मेरे सरताज, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, खुदा ना दरवाजा खोलिए, मेरे घर का दरवाजा मुझ पर ना बंद कीजिए। दरवाजा खोलिए, ये क्या सितम है।
तजा लेकर आया हूं। लुटेरे भिखारी, तुम्हें यहां पहुंचने की जुरत कैसे हुई? निकल जाओ यहां से। चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। बकवास बंद करो। तुम लोग इंसान के रूप में दिक और ताउन के जरासीम हो, जो शरीफ घरों में घुसकर उनकी जिंदगियां तबाह कर देते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी बात सुना भी अपनी तफीन समझता हूँ। लेकिन शाहिद साहब, जो प्राप्त चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारी बहन का हुआ। शाहिद साहब, गरीब इतना जलील तो नहीं होता। क्या जमाने की सारी बुराइयां उसी में? क्या उसे ये भी कहने का हक नहीं कि आपके तीर का घाव कितना गहरा है? क्या हमें बंद करो बकवास, मैंने ऐसे सुनने का आदी नहीं। माफ कीजिएगा, समीना से आपने शादी दिक या ताउन समझ कर नहीं की थी। वो इस घर में आपकी इज्जत, मोहब्बत और जिंदगी बनकर आई थी। ये मैं पूछ लिया शाहिद साहब, कुदरत ने मुझे भी बाजू दी है। मैं यही थप्पड़ आपको लौटा सकता हूँ, मगर नहीं, आप समीना के शौहर हैं। समीना जैसी बच्चलन औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती। अपनी जबान को लगाम दीजिए, वो फायदा है। मेरी गैरत को मत ललकारो, शायद तुम नहीं जानते गैरत के नाम पर जब गरीब का खून खोलता है तो वो अमीर क्या चट्टान से भी टकरा जाता है। मुझे बदमाशी की धमकी देता है दलील।
हेलो सिटी पुलिस, इंस्पेक्टर मलिक हैं। मलिक साहब, मैं बैरिस्टर शाहिद बोल रहा हूँ। मेरे घर में चोर घुसा है, आप जल्द तशरीफ लाएं। जी हाँ जी, थैंक यू। कितने जालिम हो तुम भैया। खामोशी से अपने कमरे में चली जाओ, जाओ यहाँ से। आप फिक्र ना करें बैरिस्टर साहब, साथ नहीं देता तो हम इससे लड़ेंगे। गरीब जमाने से क्या लड़ेगा भैया, इसे तो जीने का भी हक नहीं दिया जा रहा। सर छुपाने को जो भी मिली थी वो भी ना रही, सारा सामान पुर करके मुनीम ने ताला लगा दिया। तो अब तुम कहां रहती हो? महाजरों की बस्ती में भैया, जहां भूख और इंसान इकट्ठे रहते। मेरी अच्छी बहन,
भैया तुम रो रहे हो? नहीं तो, नहीं तो मुलाकात वक्त खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज भैया। खुदा हाफिज। कल 10 बजे मुझे सौदे का चार्ज मिल जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, आपने अपनी बहन की आजादी छीनकर उसे चार दीवारी में बंद किए रखा। सन्नी जैसी मासूम लड़की पर जी भर के जुल्म की, यह औदा शायद आपके इसी इंसाफ की कीमत है। खुदा आपको और ज्यादा रुतबा बख्शे। नहीं नहीं, मैं कहता हूं मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए आज ही, समझे? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, बैठो। साहब बाहर कोई नौकरी के लिए आया है? क्या तो नौकरी नहीं है, लेकिन साहब वो तो औरत है। औरत? बूढ़ी है या जवान? जवान है सरकार। अच्छा आने दो। नौकरी? अगर आपके दफ्तर में कोई जगह हो तो। दफ्तर में तो कोई जगह नहीं है, अलबत्ता घर में हो सकती है। मगर मैं तो तालीम याफ्ता हूँ। तो फिर क्या हुआ, औरत तो घर की चार दीवारी की जीवत है, और तुम जैसी हसीन लड़की को नौकरी करने की जरूरत भी क्या है? तुम चाहो तो आराम से जिंदगी गुजर सकती है। को क्या ख्याल है, घर भिजवा दूं? न जाने मुझे औरतों से इतनी हमदर्दी क्यों है। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। Thank you.
बड़ा बच्चा मर जाएगा, अभी मर जाएगा। क्या तू इसे मौत के पंजे से बचा सकती है? तू खुद खाकों से निढाल मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इस लली सी जान को कहां से खिलाएगी? तेरा बच्चा भूख से एड़ी रगड़ लगाकर दम तोड़ेगा। तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरे लाल को तुझसे खिलेगी, मेरा भी इसी वक्त कर जाएगी। तूफानी रात को आप कहां से आ रही थी? कानून अपनी तसल्ली के लिए हर बात का जवाब चाहता है, कहां से आ रही थी आप? मैं नहीं बताऊंगी। पुलिस और लोअर कोर्ट के रूबरू दिए हुए बयानात के मुताबिक उस मुर्दा बच्चे की लाश को आप उसके बाप के घर ले जा रही थी। जी। क्या मुर्दा बच्चे का बाप जिंदा है? हमारे सवाल का जवाब दो, क्या बच्चे का बाप जिंदा है? जी। क्या तुम बच्चे के बाप का नाम बता सकती हो? जी नहीं। तुम्हारे इनकार से साफ जाहिर है कि बच्चा नाजायज था। नहीं, नहीं। अपनी नाकिस बातों से हमें झुठलाने की कोशिश न करो। हम जानते हैं कि तूफानी रात में नाजायज बच्चे की लाश को लेकर इसलिए निकली कि तुम्हारा ऐब छुप जाए और तुम सोसाइटी में अपना ऊंचा मकाम हासिल कर सको। ये गलत है। तुमने अपनी आवारगी से एक हरामी बच्चे को जन्म दिया, फिर उसे मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बेसुध कोशिश की। तुम जैसी बच्चरन औरत को दुनिया की कोई सोसाइटी माफ नहीं कर सकती। जनाबे वाला, पुलिस के बयानात और मुलजिमा के बेमानी जवाब से साबित होता है कि इसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया, फिर उसे मारकर उसकी लाश को गड्ढे में फेंकने की गरज से निकली और पकड़ी गई। क्या ये औरत कानूनी और अखलाकी एतबार से बाइज्जत हो सकती है? जनाबे वाला, इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं। ससुराल की राय के लिए अदालत को मुलतवी किया जाता है। ससुराल की मुतफिका राय और मुकदमे की कार्रवाई से साबित होता है कि मुलजिमा अपने बच्चे की कातिला है, लिहाजा इसे 7 साल कैद एवं मुशक्कत की सजा दी जाती है। Thank you.
जिंदगी बर्बाद करके आपका दिल ठंडा हो गया? उसे नहीं मालूम था कि शराफत के भेद में एक दरिंदा छुपा है। चुप रहो शमीम। अब मैं चुप नहीं रह सकती। आपने उसके मजलूम भाई को जेल भिजवा दिया। वो खामोशी से आंसू बहाती रही, उसे धक्के देके घर से निकाल दिया। वो चुपचाप दामन समेट कर चली गई। उसने दर दर की ठोकरें खाई मगर अपनी आबरू को ना मैला होने दिया। अगर वो चाहती तो भरी अदालत में आपको रुसवा कर सकती। उसका जमीर मुजरिम था, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। गलत, वो इसलिए खामोश रही कि आपकी उसी शान को धक्का न लगे। अगर वो भरी अदालत में आपका नाम बता देती तो आपकी इज्जत का नीलाम उठ जाता। देख लिया आपने नीच औरत की इज्जत, जिसने आपकी इज्जत की खातिर अपनी इज्जत को कुर्बान कर दिया। सिर्फ शाहिद बनकर सोचिए मुजरिम कौन है। लेकिन उसका जुर्म साबित हो चुका था, मैं मजबूर था। सब कुछ गलत, मैं समीना को बेगुनाह साबित करा सकती हूँ। वो कैसे? सच्चाई से, सिर्फ सच्चाई से। तुम कानून से उलझने की कोशिश मत करो, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। हाँ, कल तुम्हारे भैया हामिद रिहा हो रहे हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर करे। और तुम्हारी मुसीबतें भी बहुत जल्द दूर होने वाली है। मैं तुम्हारे मुकदमे की रिट्रायल के लिए आई हूँ। मैं भरी अदालत में कहना चाहती हूँ कि तुम मजलूम हो, मासूम। ये तो मैं भी कह सकती थी मगर ये सोच कर नफसी लिए कहीं उनकी इज्जत को ठेस न लग जाए। हम बेसहारों का कौन है? भरी अदालत में जलील हुई, कानून और इंसान की नजर में बदचलन साबित किए गए तो मुझे अपने आप से नफरत होगी, नफरत होगी। सन्नी, अपने आप को संभालो। तुमने जो कुछ किया मुझे इसके खिलाफ है। मैं खामोश रहना चाहती थी लेकिन सच्चाई का गला भी तो नहीं दबाया जा सकता। तुम्हें मजलूम साबित ना करना भी बहुत बड़ा जुल्म है। नहीं शमी, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरी मजलूमियत से शर्मिंदा हो जाए। उनकी तस्कीन के लिए मैं बर्बाद ही बनी। इन बातों पर ईमान रखने वाली पुरानी औरत मर चुकी। इस जमाने की नई औरत को अपने हक खातिर तूफान से उलझने का सलीका भी आता है। जख्म खाकर दुआएं देना, जुल्म सहकर उफना करना मेरे नजदीक सबसे बड़ी जहालत है। मैं शाहिद भैया और उनकी नीति सोसाइटी पर साबित करना चाहती हूँ कि समीना सिर्फ मजलूम ही नहीं बल्कि पाक दामन और बाइज्जत खातून भी। उनके सामने मुमकिन है? उन्हीं के सामने कहना होगा। ये मुतालबा है हक का, ये चीख है उस मजलूम औरत की जिसको सोसाइटी के ऊंचे फर्ज ने अपने जुल्म का निशाना बनाया। मुझे सिर्फ तुम्हारी गवाही की जरूरत है। लेकिन शमी, लेकिन कुछ नहीं, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। मेरी खातिर, इंसानियत के खातिर, अपने हक के खातिर, बोलो मंजूर है? जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, खुदा हाफिज। आपका नाम? मेरा नाम शमीम बानो है और मैं उस मासूम की नंद जिसके साथ आपके इंसाफ ने बेइंसाफी की, और इस कानून दा भाई की बहन जिसने अपनी जाती रंजिश के बिना पर एक बेगुनाह और शरीफ बीवी को खुले बंदो रुसवा किया, और जिसने कानून का सहारा लेकर एक मजलूम लड़की को अपने जुल्म का निशाना बनाया। ये सरासर झूठ है। ये लड़की क्या तुम साबित कर सकते हो कि वाकयात की इस बार की ये लड़की बेकसूर है? लेकिन जनाबे वाला, गुज़िश्ता कार्रवाई से ये साबित हो चुका है कि इसने बच्चे का कत्ल किया और उसकी लाश को छुपाने की कोशिश में पकड़ी गई। ये सरासर गलत है। जज साहब, आप ही सोचिए, ऐसी हालत में जबकि एक बेसहारा लड़की को उसका खामिद घर से निकालते वो कहाँ जाएगी? कोई उसके दिल से पूछे, जिसकी आरजुओं का चिराग रोशन होते ही बुझ गया हो, कोई उसकी मामता की चीख सुने जो अब तक उसके बच्चे की रूह के दिल मंडला रही है। जनाबे वाला, क्या ऐसे चेहरे मुजरिम हो सकते हैं? जनाबे वाला, जुर्म का अंदाजा चेहरे से नहीं बल्कि इंसान के किरदार और अमल से किया जाता है। क्या आप साबित कर सकते हैं मुजरिमा सरकारी वकील मिस्टर शाहिद की बीवी है और इन्होंने किसी खास जाति इख्तलाफ की वजह से उसे मुजरिम ठहराया? जी हाँ, मैं साबित कर सकती। आप मुसम्मात समीना खातून को कब से जानती? अरसा 5 साल से। क्या आप उनके करेक्टर पे कुछ रोशनी ला सकते हैं? जी हाँ, ये मेरे साथ पढ़ती रही और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कॉलेज की जिंदगी से लेकर घरेलू जिंदगी तक इनका किरदार हमेशा बुलंद रहा है। जनाबे वाला,
अब मेरे दूसरे गवाह सेठ वाजिद अली को पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है सेठ वाजिद अली। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा बिल्कुल सच ही कहूंगा। क्या आपने मुसम्मा समीना खातून बिन चौधरी हाकम अली जमींदार मिर्जापुर से मिस्टर शाहिद इकबाल वर्ल्ड हैदर इकबाल का निकाह पढ़वाया था? समीना खातून बिन चौधरी हाकम अली मिर्जापुर, दिस इज माई फादर नेम, यानी कि मेरे बाप का नाम है। योर हाइनेस प्लीज इसको दोबारा रिपीट कीजिए। आपने मिस्टर शाहिद इकबाल वर्ल्ड हैदर इकबाल का निकाह मुसम्मा समीना खातून बिन चौधरी हाकम अली जमींदार मिर्जापुर से पढ़वाया था? मिस्टर वकील, शी इज माई रियल सिस्टर। मैं भी चौधरी हाकिम अली का रियल सन हूँ। मेरा एक छोटा भाई हामिद अली भी है। वेयर इज माई यंगर ब्रदर? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने निकाह पढ़वाया था? ओ यस यस मिस्टर वकील, मैंने अपनी बहन का निकाह पढ़वाया था। जनाबे वाला, गवाहों के बयान से यह साबित हो चुका है कि समीना खातून मिस्टर शाहिद इकबाल की बीवी और उन्होंने जाती रंजिश की बिना पे अपनी हामला बीवी को घर से निकाल दिया था। जनाबे वाला, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बच्चे की मौत एक इत्तफाकी अमर है, क्योंकि कोई माँ अपनी ममता का गला कभी नहीं घूम सकती। शाहिद साहब, क्या समीना खातून आपकी बीवी है? जी हाँ, ये मेरी बीवी है। जनाबे वाला, मुझे यकीन है कि मुसम्मा समीना खातून के मासूम होने पर कोई शक नहीं, लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि मुसम्मा समीना खातून से पूरा पूरा इंसाफ किया जाए। अदालत गवाहों के बयान और असहरान की राय से इत्तफाक करते हुए मुसम्मा समीना खातून को बाइज्जत बरी करती है। मैं जिंदगी भर न भूलूंगी। इसमें एहसान भी कौन सा? मैंने तो एक मजलूम की हिमायत की। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शमी? ऐसा न कहूं, ये तो मेरा फर्ज। माई रियल सिस्टर, तुमने मुझे पहचाना? मैं तेरा एल्डर ब्रदर वाजिद अली हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। वेयर इज माई यंगर ब्रदर हामिद अली? माई ब्रदर भाई जान, हम जिसे पराए थे वो अपना निकला। मैं भी कितना पागल हूँ कि अपनी बहन भाई को घर आते जाते देखकर भी नहीं पहचान सका। तुम दोनों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। कहाँ है वो चाहे? शेख साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं तुम्हें हरगिज नहीं माफ कर सकता। तुमने समीना को इसलिए ठुकराया कि वो गरीब थी। जब तुम्हें मालूम हुआ कि वो एक लखपति यानी कि मेरी बहन है, तो समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं तुमसे अपने खानदान की बेइज्जती का बदला लूंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं कीजिए। अरे यू शट अप, लड़की को ऐसे मामले में नहीं बोलना चाहिए। इनको माफ कर दीजिए भाईजान, मिस्टर शाहिद इकबाल बार इख्तलाफ से माफ मांग रहे हैं। हामिद भाई, मैं अपनी जाति के लिए माफी चाहता हूँ। झूठे वकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, और तुम जो भी सजा मेरे लिए तजवीज करो मुझे मिल सकती। ऐसा ना कहिए सरकार, मैं तो आपकी कमी हूँ। मैं तो तुम्हारे भाई को आज तक क्रैक ही समझती रही, मगर ये तो मगर आज तक मुझे जो भी मिला क्रैक ही मिला। वी आर ऑल क्रैक।